आपकी गर्दन में दर्द होता है, आपकी गर्दन आपको सुबह उठने पर जकड़ी हुई महसूस होती है, आप अपनी गर्दन को दाएं बाएं घुमा नहीं पाते, आपकी गर्दन में इतना दर्द होता है कि वो दर्द यहाँ गर्दन से कंधे से होते हुए हाथ तक चला जाता है, या फिर आपको आपके हाथ की उंगलियां सुन्न महसूस होती हैं और आप इससे बहुत परेशान हैं। यदि आप इस अपनी समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है, क्योंकि इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं ऐसे तीन उपाय जिन्हें करने से आप अपनी गर्दन की मोच से, जकड़न से, उस दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, डायरेक्टर रूपाणी हेल्थ केयर आगरा से। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। गर्दन की मोच को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि हमारे सर्वाइकल स्पाइन की बनावट कैसी होती है, जहां कई बार आपकी गर्दन की नसें दबती हैं या झंझनाहट होती है। तो देखिए, ये है आपकी स्पाइन, ये सिर का निचला हिस्सा होता है, इसके बाद ये 7 वर्टिब्रे होती है यहाँ तक, ये है C7। सी हम सर्वाइकल से डिराइव करते हैं, सर्वाइकल स्पाइन में 7 वर्टिब्रे होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब इनके बीच से निकलती हैं ये नर्व्स, आप देख पा रहे हैं ये जो येलो से डिनोट हो रही हैं, ये हैं नर्व्स। पेशेंट की जब ये मांसपेशियां खींचती हैं, इसमें प्रोमिनेंट सी मसल होती है स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड, आप ये मसल एक देख पा रहे हैं, बहुत ही प्रोमिनेंट सी मसल होती है जो यहाँ से निकलती है। अगर मैं दिखाऊँ तो ये देखिए, ये है वो मसल, इसे बोलते हैं स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड। ये कान के पीछे से आके निकलती है और आगे आके हमारी जो स्टर्नम है यहाँ पर आके अटैच हो जाती है क्लेविकल के साइड से, इसे इसलिए कहते हैं स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड। मास्टॉइड प्रोसेस पे जाकर ये मसल अटैच होती है। ये तो ही आपकी सर्वाइकल की एनाटॉमी। यहीं अगर हम बात करें सिम्टम्स की, तो पहला आता है आपको बर्निंग जैसी महसूस होगी, जब कहीं नस दबेगी तो आपको काम करने में आपका हाथ इतना भारी मालूम पड़ेगा अगर आपके उल्टे साइड से नस दब रही है। वहीं नस के दबने की वजह से आपको एक शूटिंग पेन जैसा महसूस होगा, मान लीजिए आपकी लेफ्ट साइड की नस दब रही है, तो आपको गर्दन यदि आप लेफ्ट साइड झुकाने का प्रयास करेंगे तो एकदम से एक शूटिंग पेन जैसा दौड़ जाएगा आपकी गर्दन से कंधे से होते हुए हाथ तक, जैसे मान लो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग गया हो। इसी तरह आपको नमनेस जैसी महसूस हो सकती है, मान लो जैसे आपकी हाथ की उंगलियां हैं ही नहीं, आपको टच करने पर या दबाने पर कुछ महसूस ही नहीं होगा आपके हाथ की उंगलियों में। साथ ही साथ आपको आपकी मांसपेशियों में कमजोरी महसूस होने लगेगी, क्योंकि आपकी नर्व दब रही है, मसल काम नहीं करेगी, इस वजह से आपकी मांसपेशियां गर्दन की या कहें कि कंधे की और हाथ तक जकड़नी शुरू हो जाएंगी। जब ये मांसपेशियां जकड़नी शुरू हो जाएंगी तो आपके हाथ की रेंज है, जो मूवमेंट की एबिलिटी है, वो भी कम हो जाएगी। इसी रेंज को बढ़ाने के लिए यहाँ काम आएगी आपको ये एक्सरसाइज, जिसे हम कहते हैं स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल की स्ट्रेचिंग, या कहें उसको रिलैक्स करना। किस प्रकार से करेंगे? अगर आप स्वयं ये काम कर रहे हैं तो आपकी मांसपेशी जो आपको मालूम पड़ रही है उसको पकड़ेंगे, हल्के हल्के से रोलिंग करेंगे कुछ इस प्रकार से। यदि आप किसी थेरेपिस्ट से करवाते हैं ये मूवमेंट, तो संभवतः वो अपने हाथ पर ऑयल लगाएंगे या क्रीम लगाकर मसल को इस प्रकार से उसकी मसाज करेंगे या उसको स्ट्रोकिंग करेंगे, इस प्रकार से भी आपकी मसल में आराम आ सकता है। आपको मैं एक बार पुनः याद दिला दूं कि हम हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार शाम को 6 से 7 बजे के बीच में इंस्टाग्राम पर एक लाइव सेशन करेंगे, जिस सेशन में आप जुड़कर अपनी समस्याएं डायरेक्टली हमसे सामने पूछ सकते हैं और उनका तुरंत हल पा सकते हैं। इसलिए हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो अवश्य कर लें। अब आइए आगे बात करते हैं हम कॉजेज की। पहला और सबसे बड़ा कॉज होता है डिस्क का बल्ज होना। डिस्क बल्ज कैसे होता है? जब हमारी स्पाइन में, जैसे ये हमारी दो वर्टिब्रे हैं, इन दो वर्टिब्रे के बीच में जो ये डिस्क होती है, इस डिस्क के दबने की वजह से जब इन दो बोन के बीच की जगह कम हो जाएगी तो ये डिस्क दबेगी। अब इस डिस्क को कहीं तो जगह चाहिए, जब इस डिस्क को जगह चाहिए तो वो डिस्क इस प्रकार से बाहर निकलने लगती है और जो इन दो हड्डियों के बीच से जो फोरामिन से जो नर्व निकल रही होती है, इस नर्व को दबाने लगती है, जिसकी वजह से आपको मुख्यतः जो झंझनाहट होती है वो महसूस होने लगती है। डिस्क का डिजनरेशन, आमतौर पर डिस्क का डिजनरेशन एजिंग के साथ होता है। ये डिजनरेशन क्यों होता है? क्योंकि एज के साथ साथ हमारी बोन में से कैल्शियम कम होने लगता है, बॉडी में विटामिन डी का भी अब्जॉर्प्शन कम होने लगता है, तो जो हड्डियां हैं वो अपना कैल्शियम खोने लगती हैं, उनके एजेस घिस जाते हैं, एजेस से कैल्शियम कम हो जाता है, या कई बार व्यक्ति को उस बोन में या कभी वर्टिब्रे में ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन भी हो जाती है, जिस वजह से भी डिस्क दबने लगती है। कभी कभी ये भी देखा गया है कि हमारी बोन आपस में आगे पीछे खिसक जाती है, इसे बोलते हैं हम लोग लिस्टेसिस। ये क्या होता है? आमतौर पर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, कार के एक्सीडेंट अगर होते हैं, उनमें ये चीज देखने को मिलती है कि व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, एकदम से इम्पैक्ट हुआ, तो लोअर बॉडी तो वहीं के वहीं रह गई या बेल्ट के साथ लगी रह गई, बट अपर बॉडी आगे को शिफ्ट कर जाती है। ये समस्या होती है स्पोंडाइलोलिस्थेसिस में। साथ ही साथ कई बार किसी इन्फेक्शन की वजह से या बोन टीबी वगैरह की वजह से भी डिस्क बल्ज होता है, क्योंकि बोन टीवी की वजह से भी हमारी जो स्पाइनल कॉलम की हड्डियां हैं वो डिजनरेट कर जाती हैं। इसी के साथ साथ एक बहुत बड़ा कारण देखा गया है आपके हाथ की झंझनाहट का,
वो होता है फोरामिनल स्टेनोसिस। फोरामिनल स्टेनोसिस क्या होती है? ये जो फोरामिन है दो फैसेट जॉइंट के बीच में, ये फोरामिन है, इसमें अगर नस दबने लगेगी तो उसे बोलते हैं फोरामिनल स्टेनोसिस। इसी स्टेनोसिस की वजह से आपको नस दबती है, हाथ तक झंझनाहट जाने लगती है। इस फोरामिनल स्टेनोसिस को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? इसे दूर करने के लिए आप स्टेनोथीरियोमास्टॉइड का मूवमेंट कर सकते हैं। ये मूवमेंट किस प्रकार से होगा आइए देखते हैं। अगर आपको राइट साइड में या लेफ्ट साइड में किसी भी तरफ आपको समस्या हो रही है तो आप पहले अपने हाथ को रखिए सिर के ऊपर इस प्रकार से, और धीमे से अपने सिर को एक तरफ झुका दीजिए, जितना आराम से हो सके उतना आराम से झुकाइए। अगर आपको कहीं भी दर्द महसूस होता है तो वहीं रुक जाइए, थोड़ा वापस आइए, रेस्ट करिए। कई बार लोग गलती क्या करते हैं, अगर हमें गर्दन लेफ्ट साइड झुकानी है तो साइड में देखा और झुकाने लगे, नहीं, गर्दन को पकड़िए और धीमे से हाथ से पुश कर दीजिए नीचे की तरफ, कुछ इस प्रकार से ये मूवमेंट होगा। अपनी नेक की मसल को स्ट्रेच करने के लिए आप एक और तरीका अपना सकते हैं, ये होता है बैकवर्ड स्ट्रेच। किस प्रकार से होगा ये देखते हैं। एक टॉवल को लीजिए, उसे रोल कर लीजिए कुछ इस प्रकार से, उसे अपनी गर्दन के पीछे लगाइए, गर्दन को पीछे जाने दीजिए और धीमे से टॉवल को ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाइए कुछ इस प्रकार से। आप अपनी गर्दन को लीन कर दीजिए पीछे की तरफ और टॉवल को ऊपर की तरफ खींचिए। जब आप टॉवल को ऊपर की तरफ खींचेंगे तो आपका मूवमेंट अच्छा आएगा। एक बार आपको पुनः दिखा देता हूँ किस तरह करना है साइडवेज मूवमेंट में। टॉवल को पीछे लगाइए गर्दन के, सिर को पीछे जाने दीजिए और टॉवल को ऊपर ले जाइए, सिर को पीछे लीन कर दीजिए। इस प्रकार से आप अपनी गर्दन की मांसपेशियों को, गर्दन को खींच पाएंगे। जो दोनों बोन के बीच में गैप कम हो गया है वो धीमे से रिक्रिएट होगा। कुछ मिलीमीटर का ही तो दबाव होता है, हमें उसी को तो रिक्रिएट करना है। इतना आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। कम से कम 5000 लाइक तो बनते हैं इस वीडियो के लिए, अवश्य कीजिएगा। अब यहीं अगर हम बात करें कि हम कैसे पता करेंगे कि हमारी गर्दन में मोच आई है या हमें सर्वाइकल रेटिकुलोपैथी हो रही है, हमारी गर्दन में नस दब रही है, तो हम कैसे पता करेंगे? आमतौर पर पेशेंट के एग्जामिनेशन से ये मालूम पड़ सकता है कि मांसपेशियों में कोई खिंचाव तो नहीं है, अन्यथा पेशेंट का गर्दन का एक्सरे हम करवा सकते हैं, जिससे हम ये मालूम करते हैं कि डिस्क तो नहीं दब रही या उसमें स्पॉन्डिलोसिस तो नहीं हो रही, गर्दन की जो बोन है उनका अलाइनमेंट कैसा है, उनमें ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा। अगर इन सब से भी बात नहीं बनती तो पेशेंट का MRI करवाया जाता है। सर्वाइकल स्पाइन की MRI से ये साफ मालूम पड़ सकता है कि नेक की बोन का या कहीं वर्टेब्रल कॉलम का अलाइनमेंट क्या है, डिस्क का कहीं बल्ज तो नहीं हो रहा, कहीं वो डिस्क जो है वो बाहर निकलती हुई हमारी सेंट्रल कैनाल को या स्पाइनल कॉर्ड को तो नहीं दबा रही। इस प्रकार से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि गर्दन की मांसपेशियों के खिंचाव की वजह से ये मोच आई है या फिर गर्दन में डिस्क के दबने की वजह से हमें रेटिकुलोपैथी हो रही है। अगर आपको हाथ में झंझनाहट हो रही है, हाथ में वीकनेस हो रही है, तो इसे कम करने के लिए आप कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं। वो एक्सरसाइज कैसे होती है आइए देखते हैं। उंगलियों को मिलाकर कंधे पर रखिए और हाथों को सामने की तरफ लाकर मिला सकते हैं और साइडवेज मूवमेंट कर सकते हैं। इस प्रकार से आपके हाथों में हो रही, आपके कंधे में हो रही जकड़न को आप दूर कर सकते हैं, या फिर अपने हाथ की उंगलियों को कंधे में मेंटेन करे करे अपने कंधों को गोल घुमा सकते हैं। शोल्डर को राउंड घुमाइए, कोशिश करिए आपके हाथ आगे से कोहनी को मिलाते हुए ले जाएं, क्लॉकवाइज घुमाइए और एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। ये दोनों ही मूवमेंट आप 5-5 से 10-10 की गिनती में कर सकते हैं, 3 सेट में सुबह और शाम में। यहाँ तक तो हमने बात कर ली आपके डायग्नोसिस की और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस की। अगर आप जानना चाहते हैं कि सर्वाइकल रेटिकुलोपैथी की समस्या में हमें प्रिकॉशंस क्या रखने चाहिए, उसके ऊपर पूरा वीडियो अवेलेबल है, जिसका लिंक आई कार्ड में है, आप इस वीडियो के बाद जाकर उसे भी देख सकते हैं। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में हम गर्दन की सिकाई कर सकते हैं, क्योंकि जब गर्दन की मांसपेशियों में मोच आती है, खिंचाव आता है, तो वहाँ वो टाइट हो जाती है। उस टाइटनेस को दूर करने के लिए हमें गर्म सिकाई करनी चाहिए। आपको समस्या ज़्यादा हो रही है तो आप कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स भी ले सकते हैं, अपने फिजिशियन से कंसल्ट कर ही लीजिएगा। ये बात विशेष ध्यान रखेंगे कि दवा आपको अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके ही लेनी है, बिना उनकी सलाह के नहीं लेनी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आती है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि आपके उठने बैठने का तरीका कैसा है, आपके डे टू डे लाइफ में काम करने का तरीका कैसा है, आप गर्दन को आगे कैसे मोड़ रहे हैं या नहीं मोड़ना है। इसके लिए आप एक अच्छे क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट को संपर्क करें, वो आपके घर के पास हो सकते हैं या आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको या आपके जानने वाले किसी व्यक्ति को इस प्रकार की समस्या बार बार उत्पन्न हो रही है और आप उन्हें देख रहे हैं परेशान होते हुए, तो इस वीडियो को उन तक अवश्य शेयर करिएगा, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके, उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। आप अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे। अगर आपकी गर्दन में मोच के कारण बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और आप इसे ठीक करना चाहते हैं तो लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक करके देख लीजिए। और अगर आपकी गर्दन से हाथ तक झंझनाहट हो रही है, दर्द हो रहा है, सुन्नपन हो रहा है और आप इसे ठीक करना चाहते हैं तो राइट वीडियो को क्लिक करके देख लीजिए।